ब्रह्मांड में कोई भी चीज अचानक नहीं होती, सब कुछ एक प्रक्रिया है। क्या आप उस प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, उस प्रक्रिया का पता लगा सकते हैं? सवाल ये है, आमतौर पर जब इंसान बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक खास स्तर की ऐसी प्रतिभा होती है जिसे दबाया नहीं जा सकता, हर किसी में प्रतिभा होती है मगर वो दब जाती है, समाज की प्रणाली, उनके अपने डर, अपनी चिंताएं, उनकी सुरक्षा की जरूरतें उनकी प्रतिभा को दबा देती है। हर इंसान में किसी न किसी प्रकार की प्रतिभा होती है मगर 90% से अधिक लोग कभी उसे बाहर नहीं ला पाते क्योंकि वे दूसरी चीजों से हार मान लेते हैं। दूसरी चीजें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब आप 12-15 साल के थे तो सोचते थे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं चांद पर जाऊंगा, मगर आपने पड़ोस की लड़की को देखा और उसे चांद बुलाना शुरू कर दिया, चांद गायब हो गया। तो इसी तरह हर किसी में संभावनाएं पूरी तरह खुली हैं। The thing is, can you sustain the process and allow it to become that possibility? बात ये है कि क्या आप प्रक्रिया को बनाए रखकर उसे हकीकत बनने दे सकते हैं? संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है। अधिकांश लोगों में वो दूरी तय करने का न तो साहस होता है न ही पक्का इरादा। काफी हद तक आध्यात्मिक प्रक्रिया एक तरह का मनोरंजन है। एक के बाद एक प्रवचन सुनिए, एक के बाद एक उपदेश, अधिक से अधिक किताबें पढ़िए और बहस कीजिए कि किस तरह आपकी आत्मा, परमात्मा, आपकी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है और स्वर्ग और नरक और हर चीज, मगर इसके बारे में कुछ मत कीजिए। ये काफी हद तक मनोरंजन की तरह है। तो एक प्रक्रिया निश्चित रूप से होती है, उस प्रक्रिया को चेतन रूप में अपनाया जा सकता है या वो एक अचेतन प्रक्रिया हो सकती है, मगर आप सही चीजें कर रहे हैं, यही इस ब्रह्मांड की सुंदरता है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अनुशासन से या अनुशासनहीनता से, प्रेम से या नफरत से, अगर आप सही चीज करेंगे तो आपके साथ सही चीजें होंगी। इस ब्रह्मांड की सुंदरता यही है। अगर आपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में आम के पेड़ को देखा हो तो आपको उससे कोई मिठास टपकती हुई नहीं दिखी होगी। अचानक जनवरी, फरवरी में फूल आए, वे चमेली या गुलाब या किसी और फूल जितने सुंदर नहीं थे, कुछ छोटे छोटे फूल आए। मान लीजिए आप नहीं जानते कि आम का पेड़ है और आपने उसे चक कर देखा, आपने एक पत्ता लेकर उसे मुंह से काटा तो वो काफी कड़वा था, मगर अचानक अप्रैल मई के महीने में मिठास की बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ पर लटकती मिलेंगी। वो धीरे धीरे इस मिठास को बना रहा था और एक खास मौसम में उसे बाहर ले आया, मगर वो साल भर सक्रिय रहा, है ना? आम सिर्फ एक मौसम में आते हैं, आप सिर्फ एक खास समय पर मिठास देख पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आम का पेड़ वो मिठास पैदा करने के लिए कोशिश या काम नहीं कर रहा था, वो उस पर काम करता रहा है, आप उसे देख नहीं पाए। इसी तरह क्या ये प्रक्रिया है? बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है, मगर क्या हर कोई इस प्रक्रिया को देख सकता है, पहचान सकता है? नहीं। जब कोई आध्यात्मिक रास्ते पर विकास करता है, दूसरों को लगता है कि वो पागल है, किसी ने सोचा कि वो आवारा है, किसी ने सोचा कि वो खानाबदोश है, किसी ने सोचा कि वो कुछ और है, मगर जब मिठास आई तो जिसने भी उसे चखा उसने महसूस किया कि ये एक शानदार चीज है।